शराब घोटाले से अपने आप को बचाने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास जितने भी तीर थे आज उन्होंने सब छोड़ दिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती थी और उन्हें ऑफर किया गया बीजेपी की तरफ से कि वो आम आदमी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और उनके सारे केसेस जो हैं ये भी वापस ले लिए जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं और वो राजपूत हैं, इसलिए वो सिर कटा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, यानी उन्होंने जो अपनी जाति का कार्ड था वो भी खेल लिया। फिर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं, इसलिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। और इसके बाद मनीष सिसोदिया न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट का हवाला बार बार दे रहे हैं, एक गोल्ड मेडल की तरह, एक प्रशस्ति पत्र की तरह, और बता रहे हैं कि मैं कैसे दुनिया का बेस्ट शिक्षा मंत्री हूं। लेकिन आज सवाल यह है कि वो दुनिया के बेस्ट शिक्षा मंत्री तो हो सकते हैं, क्या वो दुनिया के बेस्ट शराब मंत्री भी है? क्योंकि घोटाला शराब को लेकर है, शिक्षा को लेकर नहीं। लेकिन बात बार बार ये कही जा रही है कि वो बेस्ट शिक्षा मंत्री है। आज एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम आपको इमरान खान के सिर पर लटकती गिरफ्तारी की तलवार के बारे में बताएंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है पाकिस्तान में, और वो लगातार अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं कि उन्हें कहीं से कोई राहत मिल जाए। पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान के भाषणों के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगा दी है। हालांकि इसमें भारत का ही नुकसान है, क्योंकि आजकल वो अपने हर भाषण में भारत की तारीफ करते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान जरूर बैन कर दे उनका लाइव टेलीकास्ट, लेकिन भारत में उनके भाषणों का लाइव टेलीकास्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि हर भाषण में अब वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, यानी इमरान को आजकल इंडिया पसंद है। आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान कैसे पाकिस्तान की खूनी राजनीति का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो लंबा इतिहास है वो यही बताता है कि वहां प्रधानमंत्री या तो सत्ता में रहता है और जैसे ही वो सत्ता से हटता है या तो उसे जेल में भेज दिया जाता है या उसे देश छोड़कर भागना पड़ता है या फिर हत्या हो जाती है। तो पाकिस्तान में क्या फिर से ऐसा होने वाला है? और आखिर में पंजाब के एक किसान के मकान की कहानी आपको दिखाएंगे। इस किसान ने बड़ी मेहनत से एक शानदार मकान बनाया, 1.5 करोड़ रुपए मकान में लगाया, और उसके बाद उसे पता चला कि इस मकान के बीचों बीच से तो एक हाईवे बनना है, इसलिए उसे मकान गिराना पड़ेगा। अब उस किसान ने मकान को गिराने की बजाय उसे 150 मीटर खिसकाने का फैसला किया है, जिसमें से लगभग 76 मीटर वो उस मकान को बिना गिराए खिसका चुका है और बाकी भी हर रोज धीरे धीरे करके खिसका रहा है। तो क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को और मकानों को इस तरह खिसकाना संभव है? इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको आज बताएंगे 9 बजे आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट में।